उसे शाह शराफत मियां के लिए प्रशासन नहीं दे रहा जगह की अनुमति। दरगाह कमेटी में रोष। बरेली। हजरत शराफत मियां का 42वां उर्स शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा है और जिला प्रशासन ने अभी तक उस स्थल के लिए चुने गए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान को अभी तक अनुमति नहीं दी है। शाह सकलेन अकेडमी के प्रभारी हाजी मुमताज मियां ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पुलिस प्रशासन को अनुमति देना चाहिए। स्कूल प्रबंधक ने हमको उर्स करने की अनुमति दे दी है, फिर जिला प्रशासन किसके दबाव में है। हमको अनुमति मिलना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में जायरीन आ रहे हैं, भीड़ के लिए जगह तो उपलब्ध करानी चाहिए, हम कानून का सम्मान करते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ हो या कोई भी मामला हो उसमें उसको इत्मीनान से कराने का। अब हमको या तो मिसगाइड किया जा रहा है इस सूरत में, जबकि ये कहा जाता है कि हमने असल में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में उर्स करने की अपनी जरूरत के हिसाब से मांग की थी कि हमारे इस उर्स को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होने दिया जाए, तो ये कहकर कि हम नई परंपरा नहीं होने देंगे। भाई अगर नई परंपरा है तो क्या सिर्फ हमारे लिए है, औरों के लिए नहीं है? इससे कई साल पहले, 2-3 साल पहले मजारी सिलसिले के लोगों ने प्रोग्राम किया, क्या वो नई परंपरा नहीं थी? हमारे 2 प्रोग्राम इसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हो चुके हैं, क्या वो नई परंपरा नहीं थी? भाई उसमें ये कह देते हमने उर्स का प्रोग्राम तो इलेक्शन की वजह से कर दिया था, फिर शादियों का प्रोग्राम जिसमें लाखों की भीड़ थी वो हुआ, वो भी तो परमिशन से हुआ। और इन गलियों में जितनी पब्लिक होती है उसको अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या हम जिम्मेदार होंगे? बताएं, हमारा काम जो है हमसे तो, हमने जब अभी ज्ञापन देते वक्त सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा था कि भाई हमें वहां की परमिशन दे दी जाए, अगर कोई हादसा यहाँ इन भीड़ों में हो जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे। बोले वाह, भीड़ आप मंगाए, जिम्मेदार हम होंगे। ये उनके अल्फाज थे हमसे। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है कुरान शरीफ का और उससे एक रात का परमिशन जब स्कूल हमें दे चुका है, मकान वाले अपनी जगह हमको दे चुके, उसमें फिर आनाकानी पुलिस क्यों है? क्या पुलिस इंतजाम करने में असमर्थ है? यह है हमारे पास परमिशन, कॉलेज की परमिशन है, फायर ब्रिगेडियर वालों ने परमिशन दे दी समझे, और जगहों के लिए जहां जा कागज भेजे जाना थे जहां के लिए लिखा गया था हमने दिए, ये कहा जाए हम पर कोई एप्लीकेशन नहीं आई है ये गलत बयान। कुछ चंद मिनटों का ही समय बचा है आपके पास में इस कार्यक्रम के लिए, क्या प्रशासन दोबारा मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम तो जिस हद तक भी जाने का है जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में लें या यहाँ पर शहर के अमन व अमान को और चैन सुकून को डिस्टर्ब करें। परमिशन दे देते हैं उनकी बहुत मेहरबानी, हम उनकी वाह वाह करेंगे, नहीं देते हैं तो दिल में तकलीफ पैदा होगी, जो लाखों लोगों के, हमारे ही नहीं, जो लाखों यहाँ जायरीन आते हैं उससे क्यों भयभीत है और क्या करे? सोचने पर भी मजबूर होंगे कि अगर हमें करना क्यों नहीं दी जाती। प्रशासन का काम तो यह है कि सहूलत देना, अगर कोई समस्या है सामने तो प्रशासन सहूलत देने का काम करता है। क्या इस गलियों में इतनी भीड़ हुई इकट्ठी होना ये समस्या नहीं है? हाँ, वही कहते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आई है कि ये होगा तो दंगा होगा। जी जी, हम कहते हैं लाइए दिखा दीजिए किसने विरोध किया है, तो दिखाएंगे भी नहीं, या तो गलत बयानी कर रहे हैं अपनी तरफ से या उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी हैं, उनकी दबंगई से डरते हैं, गुंडागर्दी से डरते हैं, उनकी किसी चीज से डरते हैं। भाई पुलिस क्यों डरेगी किसी से? हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं आपके SP सिटी को, क्योंकि उनका टॉक करने का अंदाज जो था वो किसी सम्मान के देने का हकदार नहीं था। जबकि खानकाह के लोग गए थे, हमारे प्रदेश के शाह सकलेन अकेडमी के अध्यक्ष को हमने भेजा था, उसके साथ उन्होंने वो कलाम किया जो एक आम साधारण आदमी जो गलियों में फिरने वाला नहीं करता, उस तरीके से बातचीत की। एक ऑफिसर को उस लहजे में बात करना नहीं चाहिए। हमने तो ये देखा है कि कभी भी हम कहीं पहुंचे तो पानी चाय ये लीजिए वो लीजिए ये सब कुछ होता रहा, चाय पानी पूछना तो बहुत बड़ी बात रही बल्कि धुतकारे दिए जाए। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से करी नहीं करी थी? भाई करने का टाइम आया, अभी दुष्कारे कल नहीं है उन्होंने इस बात को लेके, करेंगे क्यों नहीं करेंगे।